आपको अन्याय है जानो चाहिए बस। अगर मेरे बच्चा निर्दोष ना आए तो अगर उनको जो नौके तकाएँ के योगी बाबा जो करेंगे पोस्टर लगा दे अपराधी ने के पोस्टर लगा दे, मेरे बच्चा की कोई जरूरत ना है। गांव में हुए कांड में चार आरोपियों में से राम कुमार के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरी हकीकत जानने की ग्लोबल भारत पूरी कोशिश करेगा और जानेंगे आखिर हकीकत क्या है। बाबूजी क्या हकीकत है यहाँ की, कैसे जो आरोपी गए हैं जेल गए हैं सही गए हैं कैसे गए हैं क्या है? ये आरोपी जो गए हैं ये बिल्कुल निराधार बिल्कुल निर्दोष हैं साहब। अच्छा क्या करते थे आपके बेटे हैं जो? हमारा बेटा रोज की तरह थ्रिलर पे काम करके चला जाते सवेरे 7 बजे। अच्छा। और दोपहर को आवे तो 11:30 बजे, शाम को फिर चलो जाते हो, फिर आवे तो रात को 12 बजे। हाँ। थोड़ा बहुत टाइम मिलते है न्यार पानी करते हो पहुँचेंगे को सानी से पता करते है और ड्यूटी का टाइम हो जाते तुरंत ड्यूटी पर चले जाते हो। अच्छा अच्छा। घटना वाले दिन जो मेरा बच्चा घटना आते करीब 2 घंटा 1.5 घंटा पहले ही ड्यूटी पर चलो यहाँ घटना वाले दिन। अच्छा कितनी उम्र होगी आपके बेटे की लगभग? उम्र मान लो 32 साल मान लो 35 साल मान लो। दो बच्चे हैं वहाँ पे, एक लड़की है करीब 7 साल की, एक लड़का है करीब 4-4.5 साल। जैसे कि पहले उसमें एक आरोपी का नामजद रिपोर्ट हुई थी उसके बाद दबाव बनने के बाद या क्या कुछ हुआ उसके बाद 3 नाम और भर जाते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? दबाव है क्या है? जामे जिकंगो सा दबाव ना है, जातिवाद मामलों लगे जे राजवीर दलेर के परिवार वाले गुए तो सबूत अब सांसद हैं भैया। मंजू दलेर ने पोस्ट करके डाल रही है वहाँ को मुँह पे प्रिंट धरो है, खैर वहाँ मैं साबित करूँगा। 19 तारीख को मंजू दलेर जी कह रही हैं कि कल सुबह पीड़ित परिजनों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया रामू रवि और लवकुश और घटना में शामिल होना बताया परिजनों ने, और उन्होंने दबाव बनाया और दबाव बना के अधिकारियों को बुलाया हड़काया और लड़की के बयान कराए। बयान हुए 22 तारीख को और मंजू दले ने मेरे बेटे मुलजिम बना दिए 19 तारीख को। जाको प्रमाण वैसा मैं जिनाऊँ कि मैं मोहित कह रहा हूँ और पूरा वैसा उनको सहयोग है और जातिवाद को उन्होंने मुद्दा बना लो है। जैसे कि SIT पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, पिछले 3 दिन से जांच पड़ताल कर रही है, गांव में जा जाके घर घर जाके SIT जाँच कर रही है, बयान भी दर्ज कर रही है, SIT की जो जाँच कर रही है उस पर पूरी तरह से भरोसा है आपको न्याय मिलेगा? ना मोह तो हर तरह से भरोसा है, न्याय को न्याय है जाना चाहिए बस। अगर मेरे बच्चा निर्दोष ना आए तो अगर उनको जो नौके तकाएँ के योगी बाबा जो करेंगे पोस्टर लगा दे अपराधी ने के पोस्टर लगा दे, मेरे बच्चा की कोई जरूरत ना है। अगर मेरा बच्चा कहूँ दोषी पाया जाते है मैं सहमत हूँ तुरंत गोली खत्म कर दिया जाता और गुआ के बचाव के अभाव में अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो भी गोली मरवा दें सर। पता नहीं कहेगा कि अगर मेरा बेटा आरोपी है तो गोली मार दी जाए और मुझ पर भी गोली मार दी जाए, कहीं ना कहीं मामले में झोल जरूर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि SIT की टीम पूरी तरह से मामले की 7 दिवसीय जांच कब तक सरकार को सौंप पाती है और आरोपियों को